तो सीधे थर्ड डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। तुम हार्वर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है ये मर्डर के। तो कंटारा मूवी का मेरे को यार पता नहीं था, ट्रेलर आउट हो रखा है और काफी ज्यादा भाई इस पे वीडियोस बन रही है, काफी रिएक्शन चैनल वाले, रिव्यू चैनल वाले इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मैंने देखा नहीं, बस मैंने इतना देखा कि भाई इस पे वीडियोस आ रही है। सो देखते हैं कि कंटारा मूवी में क्या है। और एक कन्नड़ा की मूवी है तो कन्नड़ा इंडस्ट्री वैसे यार छा ही रही है अपनी जो रिसेंट उनकी मूवीज आ रही है, मतलब KGF हमने देख रखी है, KGF क्या ही मूवी थी। एंड ये मूवी भी उसी लेवल से भाई, होमेबल फिल्म। सो देखना कि क्या सीन होने वाला है इसके अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत साल पहले एक राजा था और उसने एक मामूली से पत्थर के लिए अपनी विशाल जमीन गांव वालों को दान कर दी। दान की हुई जगह को वापस लेने से दैव नाराज हो जाएंगे। वाओ कंटारा इज लेजेंड। तो देखिए कार में टूट के शिव आ गए अपनी भैंस लेकर। इस प्रतियोगिता में स्वागत कीजिए उनका। वाओ रिसेप्शन क्या ग्राफिक्स है, क्या वीडियो से यार। तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी सुना क्या तुम लोगों ने? जानवर और पंछियों ने कंप्लेंट की है क्या? जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई पर्सनल एजेंडा है। सरकार का आदेश है, मुझे सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बता। हिम्मत, हिम्मत इंसान के सीने की आग है। उस आग से खुद को मत जलने देना। शिवा और उसके गैंग को पकड़वा सकता हूँ सर। ए शिवा, तेरी एक सेटिंग थी ना जिसे तू बाइक पे बहुत घुमाता था। बीड़ी की बदबू आ रही है। तो सह लेना। सेटिंग तो थी पर हमारे बीच में वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। काइंड ऑफ थोड़ी पुष्पा वाइब्स की दे रहा है मेरे को थोड़ा सा। पेड़ों के साथ साथ तुम्हारा रेपुटेशन भी कम हो रहा है, शिकार भी जोरों से चल रहा है। डिपार्टमेंट को तकलीफ हो अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो सीधे थर्ड डिग्री मिलेगी। पढ़े बिना ही डिग्री। तुम हार्वर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का लफड़ा पूरे गांव को पता है ये मर्डर केस है। ये था इसका ट्रेलर और ट्रेलर इतना जबरदस्त लग रहा है ना, जो स्टार्टिंग की वाइब थी मेरे को भाई, जो इतने उसके जो विजुअल्स इतने अलग लेवल के बनाए ना, इतने तगड़े लेवल के बनाए क्या भाई, काफी हाई बजट शूट कर रहा हुआ है ऐसा लग रहा था। और वो क्वालिटी हमारे को देखने को मिल रही है इसके अंदर। और BGM जो है कि कन्नड़ा, मतलब जो कल्चरल वाइब वहां से हमारे को मिल रही है, जो उनका कल्चर होता है, एंड वो भी अपनी जगह बेस्ट है। मुझे वही पुष्पा जैसी वाइब थोड़ी सी आई इससे। उसके अंदर भी ऐसी पुलिस वाला होता है, वो भी टकलू होता है। एंड उसके साथ में भाई वही पेड़ों का सीन वगैरह इसमें हो रहा था। पूरी स्टोरी मेरे को समझ नहीं है कि क्या सीन होने वाला है इसके अंदर, क्या नहीं होने वाला। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस मूवी को देखने के लिए, बिकॉज ये मेरे को काफी सही लग रही है। एंड ऋषभ शेट्टी की जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर, मतलब वो कैरेक्टर में ऐसे घुस जाते हैं ना कि भाई बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। सो उनकी परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी, उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है। एंड ये मूवी हिट हुई है फ्लॉप हुई है मेरे को क्यों नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इस मूवी के बारे में। फटाफट मेरे को कमेंट करो कि मूवी का क्या सीन चल रहा है और कौन कौन इस मूवी को देख के आ गया। मुझे ट्रेलर तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा, आपकी क्या राय इसके ऊपर फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कंटारा के या फिर ऋषभ शेट्टी की जो फैंस है भाई, इस मूवी से अगर उनको लगाव होगा या फिर उनको ये मूवी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताते हो या नहीं बताते। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। सो ऑल द ऋषभ शेट्टी फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो। और सब्सक्राइब के साथ साथ भाई बेल आइकन भी ऑन कर लेना, मतलब ऑल पे कर लेना, तो तुम्हारे को सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कोई भी। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, रब रखना।